वेलकम टू मेरा देश। थैंक यू। तो आप इस नेशनल लेवल फिल्म ट्रेनिंग समर कैंप में आए हैं जी, तो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे? माय नेम इज़ दिव्या, आई हैव कंप्लीटेड बीटेक इन दिस ईयर। मुझे ऐसा लगा बीटेक कंप्लीट करने के बाद लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ आकर मैंने दोबारा से अपनी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी को जिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शुरू से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, यहाँ आकर वो एक सपना सच सा लगने लगा है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आप बीटेक किया आपने, और उसके बाद आपके इंजीनियरिंग में भी कुछ सपने होंगे, तो वो सपने एक तरफ हैं और एक तरफ एक्ट्रेस बनने के सपने हैं। अगर मैं सच कहूँ तो बचपन से मुझे इंजीनियरिंग में ऐसा कोई सपना नहीं था। मैं शुरू से ही एक एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी, लेकिन मैं अच्छी स्टूडेंट थी, और ग्रेजुएशन तो हर इंसान को एक ये एकेडमिक का पार्ट है, और मैं अच्छी स्टूडेंट होने के नाते मैंने बीटेक किया। मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है मैं बीटेक में बहुत आगे जाऊँ, बस मेरे मम्मी पापा का सपना था। और वैसे भी अगर एक अच्छा स्टूडेंट है, एक प्रोफेशनल कोर्स करना अच्छा होता है, जिससे कि आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है, इसलिए मैंने बस बीटेक किया, और आगे का सपना तो अब मुझे तय करना है। तो यहाँ PPU में आप आए, और आपका मोर देन सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में से अबाउट 30 स्टूडेंट्स में आप आए, आपका ऑडिशन सक्सेसफुल हुआ। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा पहले जब आपका ऑडिशन, जब आपने अप्लाई किया था और जब आप ऑडिशन के लिए आए, और फिर उसके बाद आपका सक्सेसफुली आपका हुआ? हाँ जी। तो कुछ लोगों का नहीं भी हुआ होगा शायद आपके साथ आए होंगे, तो कैसा? एक्चुअली कहते हैं ना, जब आप किसी सपने को पूरा करना चाहते हो तो आपके अंदर वो सारी शक्ति वो खुद से आ जाती है, और ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, और फर्स्ट ऑडिशन में ही मैं सेलेक्ट हो गई, क्योंकि मैं इसके लिए एकदम बिल्कुल तैयार थी। हाँ, मुझे जाना ही है, जाना ही है, और जाना ही है। इसके लिए मैंने पहले से कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट कैंप। तो इससे पहले आप कॉलेज में या स्कूल में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज? हाँ, मैंने 12th क्लास तक तो परफॉर्मेंस की है, बट बीटेक में मैंने ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं करी। जब मुझे इस कैंप के बारे में पता चला तो मैंने इसका फॉर्म फिल किया, ऑडिशन दिया, फिर मैं सेलेक्ट हो गई। कितनी दूर से आप आ रहे हैं? मैं नोएडा में रहती हूँ। अच्छा, नोएडा में। कभी आपने कॉलेज लाइफ में कभी ऐसा ऑडिशन नहीं दिया? नहीं, एक्चुअली मैं पढ़ाई में शायद बहुत ज़्यादा बिजी थी, और मुझे लगा कि आफ्टर स्टडी मुझे कुछ करना चाहिए, और जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, एग्ज़ाम के टाइम ही एक्चुअली मुझे पता चला था कि यहाँ पर ऐसा कोई कैंप है, फिर मैंने फॉर्म फिल किया, और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए और मैं यहाँ आ गई। So what was the reaction of your parents and other? मेरे parents को तो शुरू से ही पता था, they don't have any objections कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, they always say whatever you want to do, you must do. तो अब यहाँ पर आपको लगभग 10 दिन हो गए हैं। हाँ जी। तो इन 10 दिन में आपने self discovery, अपने potential को किस तरह से discover किया है? एक तरफ तो इंजीनियरिंग में आपने 4 साल अपने आप को डिस्कवर किया, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने इंटेलेक्चुअल को, अपने माइंड को, और यहाँ पर 10 दिन में आपने एक अलग ढंग से लाइफ को, सेल्फ को, अपने एक्सप्रेशन को, और अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को आपने डिस्कवर किया। तो उसमें इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने किस तरह से आपकी मदद की? हाउ ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा शुरू से ही सपना था, मुझे ये पता था एक्टिंग करनी है, लेकिन मैं जब यहाँ आई तो पता चला एक्टिंग तो बस मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है। ज़िंदगी में तो एक्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ है सीखने को, जो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़िंदगी को जिया है मैंने यहाँ आकर 10 दिनों में, और सारे फैकल्टी मेम्बर्स इतने अच्छे हैं, आपका पूरा ध्यान रखते हैं। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं बस 15 दिनों के लिए आई हूँ, ऐसा लगा कि मैं शायद शुरू से इसी कॉलेज में पढ़ रही हूँ। वो इतना ध्यान रखते हैं, और सारी एक एक गलती को बताना, उसे सुधारना, सारा कुछ बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किया है। तो किस तरह के आपके अनुभव रहे, जो लोग आपके साथ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, अबाउट 30 पीपल, जिसमें लगभग 10 लड़कियां भी हैं शायद, तो किस तरह का आपस में टीम वर्क रहा, और किस तरह से आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया? कुछ खट्टे मीठे पल भी रहे होंगे? हाँ, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर गुलशन सर हैं, यदु सर हैं, विकास सर हैं,
कुणाल जी हैं, सब ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि हमें टीम वर्क करना है, हमें एक अकेले होके काम नहीं करना, एक टीम कैसे बनती है, हमें कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की गलतियों को कैसे माफ़ करना चाहिए, उन्होंने सब सिखाया, इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ से आज तक। तो सुबह से शाम तक आप जैसे बिजी रहते हैं और वेरियस एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, थिएटर की सर्टेन एक्सरसाइजेज होती हैं, एडिक्शन है और चीज़ें हैं, तो किस तरह से आप अपने आप को मैनेज कर पाते, क्योंकि नई जगह है, नया एनवायरनमेंट है, तो क्या आपको लगता है कि नई जगह पे आके आपको कुछ ऐसा लगा कि नई जगह है, यहाँ पर मैं नहीं कर पाऊँगी? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कोई भी केस नहीं है। एक्चुअली आई एम वेरी फ्लेक्सिबल और मैं चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती हूँ, ये मेरी बहुत, इसे मैं अपना प्लस पॉइंट भी कह सकती हूँ। मेरे को कभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैं घर से पहले भी बाहर रह चुकी हूँ, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा, मैं जो मैं करना चाहती हूँ वही तो मैं कर रही हूँ, और इसमें तकलीफ हुई तो फिर इसका मतलब भी आपका सपना ही नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ में तकलीफ होती है, मुझे अभी तक कोई तकलीफ नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगता है ये दिन ही नहीं ख़त्म हो, रात भर बस सर पढ़ाते रहें और हम पढ़ते रहें और इन्जॉय करते रहें। तो कितना थ्योरेटिकल पार्ट होता है और कितना प्रैक्टिकल पार्ट होता है? एक्चुअली हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस ऐसा नहीं है कि अलग अलग हों, सर थ्योरी भी कराते हैं और साथ साथ उसका इम्प्लीमेंट कराते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो चीज़ें आपने सीखी, तो पहले आपका क्या नज़रिया था उन चीज़ों के बारे में? हाँ, जैसे मैं सोचती थी मुझे एक्ट्रेस बनना है तो बस एक्टिंग आनी चाहिए, यहाँ आकर मेरा नज़रिया पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सर ने बताया कि डायरेक्शन कितना ज़रूरी है, डायरेक्शन कैसे होता है, कैमरा कैसे हैंडल करते हैं, कैमरे में कौन से लेंसेज यूज़ होते हैं, एवरीथिंग दे टोल्ड अस, हर चीज़ की नॉलेज, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, सब कुछ बताया, ये शायद मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आपको कितना ये हेल्प कर पाएगा आपकी, क्योंकि 10 दिन में तो सभी कुछ आदमी एक ओरिएंटेशन तो हो जाता है लेकिन सब कुछ नहीं सीख पाता। हाँ, लेकिन तो उन्होंने एक हमें पुश करना शुरू कर दिया है और हमारा उस दिशा में सोचना, उस डायरेक्शन में हम कैसे जाएंगे, उन्होंने सब कुछ नॉलेज दे दिया है। मुझे लगता है हाँ, हम जब यहाँ सोच रहे थे, और सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि 10 दिन में क्या होगा, 15 दिन में क्या होगा, बट मुझे लगता है शायद हमने 1 महीने का काम 5 दिन में ही कर लिया है। तो आगे आपका यहाँ से जो सीखते हुए और जो यहाँ से आपने एक इंट्रोडक्शन लिया है और अपना पोटेंशियल आपने देखा है, तो और आप कुछ बहुत रिनाउंड एक्टर्स जैसे राहुल देव जी हैं या अदर परफॉर्मेंस जैसे संदीप आचार्य जी जो कि इंडियन आइडल के विनर हैं, तो ऐसे लोगों से आप मिल पाए, या प्रीति अनेजा जी हैं, तो मतलब किस तरह का अनुभव रहा उन लोगों से मिलके, आपको कैसा लगा? डेफिनेटली दे आर वेरी ग्रेट पर्सनालिटीज, उन्होंने बहुत सारे, संदीप आचार्य जैसे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, बट प्रीति जी के साथ हमारा एक सेशन भी हुआ, उन्होंने पूरे डायरेक्शन कैसे होता है, कैमरा कैसे वर्क करता है, और उन्होंने हमारा ऑडिशन कराया कि ऑडिशन कैसे होते हैं, तुम्हें कैसे परफॉर्म करना चाहिए, उन्होंने 2 दिन में शायद 10 दिन का ही सिखा दिया। तो अब आगे आपका कि आप क्या प्लान है यहाँ से, अभी आपके लगभग 4 दिन बचे हैं, तो आगे आप क्या प्लान करके चल रहे हैं? अभी तो ये 4 दिन कंप्लीट करूँगी और इसे पहले अपनी प्रैक्टिस में लाऊँगी जो मैंने सीखा है, उसके बाद मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगी, हो सकता है मैं यही इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ। तो जैसे इट इज़ वेरी इजी टू से बट व्हेन यू प्रैक्टिकली डू द थिंग्स, जैसे कई बार जो यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट मिला, घर जाके वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, या घर पे आप उस तरह से हुआ, अल्लाह करे तो शायद घर वालों को लगेगा कि पता नहीं क्या। माय फैमिली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू डू दिस देन डू। तो कोई आपके ऐसे फ्रेंड्स भी हैं, सहेलियां भी हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज पहले से, या आपको लगता है कि अगर आप उनसे ये शेयर करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा? नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा को पहले से ही बता रखा है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे फ्रेंड्स चाहिए, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेले कर सकती हूँ, और मेरे जितने ही फ्रेंड्स हैं वो इंजीनियरिंग के ही हैं, मैंने मम्मी पापा को पहले से बोल रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घर जाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट एक मुझे एक प्रोसेस में चलना है कि पहले मुझे क्या करना है, फिर आगे मैं इसके बारे में सोचूं। तो रादर देन डूइंग एमटेक इन इंजीनियरिंग, यू वुड लाइक टू हैव एट लीस्ट सम 1 ईयर कोर्स और मे बी 2 ईयर कोर्स इन एक्टिंग और फिल्म मेकिंग? सो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट एक्टिंग में है? Yes. तो यहाँ पर जो कुछ जैसे प्रोजेक्ट्स आप बनाने वाले हैं, जैसे फिल्म है या कोरियोग्राफी है, उससे आपको कितना सीखने को मिला?
बहुत कुछ मैंने पहले कभी भी नहीं किया। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मुझे तो बस शायद ये कह सकते हैं मेरे अंदर थोड़ा सा नेचुरल होगा, बट निखरा तो यहीं आकर है। टीचर्स ने बताया कैसे करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे कैमरा हैंडल करना है, सब कुछ हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस भी की है। क्लास में सर एक एक एक्ट को चार चार पाँच पाँच बार कराते हैं, तो बहुत इम्प्रूवमेंट होता है अपने। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रैक्टिकल डेमो देंगे कुछ, अगर आपको ईजी लगे तो क्या कोई भी इंस्टांस दें, जैसे पर्टिकुलर किसी चीज़ में। सर ने अभी तो हमारी डांस परफॉर्मेंस एक्चुअली कराई थी, डांस में आपको कैसे स्टोरी बनानी है, उसमें कैसे एक्ट करना है, अभी तो ये सब सिखाया है कि डांस करते वक्त आपकी क्या एक्सप्रेशंस आने चाहिए। अगर एक फनी सॉन्ग पे आप डांस कर रहे हो तब आपके एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, और अगर आप बहुत ही दुख वाले सॉन्ग पे कर रहे हो तब आपके एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए। अभी तो ऐसा कुछ चल रहा है क्योंकि उसमें अभी डायरेक्शन की क्लासेस भी हुई हैं, कैमरे की क्लासेस भी हुई हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टीच अस एवरीथिंग within 10 days. Yeah. So, what kind of feedback you are getting from your fellow, fellows who are attending with you this particular camp? Yeah, I've got very good compliments. Preeti Janeja ma'am told me that you are very attractive, you are beautiful, and Kunal ji said to me ki aap dance acha karte hain, and friends also says, yeah, main dance acha karti hun. Aise feedback mil rahe hain to lagta hai, yeah, shayad kuch hai mere mein aur main kar sakta hun. This is about yourself and what other members of the camp, participants, students are saying all about are their awesome. own experiences. Haan, they all are awesome. Sab apna apna best try kar rahe hain. Sabhi kuch na kuch life mein karna chahte hain. Sab bahut achhe hain. So thank you talking to Mera Desh channel, and I hope we would be talking to you in greater detail about your various other training modules here at PPU Hisar. Thank you very much. Thank you so much.